जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मियां सजाद अनवर एनटेक एनर्जी सॉल्यूशंस का सीईओ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सोलर एनर्जी के हवाले से चंद अहम बातें करेंगे। ये मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब, जिन्होंने काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो मेरा इनसे आज एक सवाल है कि आपने हमारी कंपनी जो ज्वाइन की, इसके अंदर आपके मुस्तकबिल के लिहाज से आपके जहन में क्या मुफीद मबशर हुए हैं? जी इफ्तिखार साहब जी, एनटेक के हवाले से जो है वो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो के नई टेक्नोलॉजीज़ को मुतारफ़ करवाता है। जो भी कोई वर्ल्ड में नई टेक्नोलॉजी मुतारफ़ होगी, हम अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को वो उसका इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और इसमें ताकि कम लागत में ज़्यादा कारकर्दगी वाला सिस्टम जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाए। जो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया इफ्तिखार साहब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो सबसे अहम सवाल है कि सोलर सिस्टम जो लोग लगवा रहे हैं, उनको है सारी नज़र जो पैनल्स और इन्वर्टर्स पे होती है, इसके अलावा जो कलीदी रोल अख्तियार करता है वो है सोलर स्ट्रक्चर, ख़ासकर जहाँ पे जगह जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनता है, जो कि गार्डन्स या पैनल्स पे लोग बना रहे हैं, उसकी कास्ट काफ़ी ज़्यादा है। उसको कैसे कम किया जा सकता है और जल्द कैसे लगाया जा सकता है, क्योंकि लोगों ने ऑर्डर्स तो बुक कर लिए हैं लेकिन महीनों इसी चीज़ पे लग जाते हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं एनटेक एनर्जी सॉल्यूशंस के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर अमादुल हक साहब, जिन्हें जो है ना राय से मुस्तफीद करें कि आपने इस वाले से क्या एफर्ट्स किए हैं। मैं अमादुल हक, अपनी एनटेक सोलर सॉल्यूशन कंपनी के प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी तजर्बाकार और माहिराना टीम के साथ मिलकर कम वक्त और कम कीमत में सोलर स्ट्रक्चर बनाकर देने की काबिलियत रखते हैं। राबिया वेलफेयर अस्पताल, इलाज और मुआलजे की भरोसा मंद जगह, जहां डॉक्टर्स अपनी खिदमात बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। यहाँ हर बीमारी की तशखीस की जाती है। राबिया वेलफेयर अस्पताल, मज़ीद मालूमात के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें